बात कर लेते हैं बिहार में चल रहे सियासी संग्राम की, आइए देखते हैं। पटना में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में पुलिस साजिश का जिक्र करती नजर आई। मामले में सीबीआई एसआईटी से जांच कराने की अपील की गई। लाठीचार्ज में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल, सरकार के इशारे पर पुलिस कार्रवाई का दिया गया हवाला, कोर्ट की निगरानी में जांच की अपील। लाठीचार्ज पर बनाई गई बीजेपी जांच दल से सदस्य सांसद मनोज तिवारी का बयान, पूर्व नियोजित था 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, प्रशासन ने अचानक बदला मार्च का रूट। पटना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का जारी है विरोध प्रदर्शन, दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने धरना दिया, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर उठाए सवाल, मौजूदा शिक्षकों को समय पर नहीं मिल रही है सैलरी, तो नए भर्ती हुए शिक्षकों को वेतन कैसे दे पाएगी नीतीश सरकार। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरेंगे सड़कों पर, बिहार में शिक्षक भर्ती में डेमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर पटना में करेंगे चक्का जाम। आगे बढ़ेंगे 9 सेकंड न्यूज में, अब देख लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आम चुनाव के लिए विपक्षी दल अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं, कांग्रेस ने दो और छोटी पार्टियों यूपी से अपना दल खमीराबादी और तमिलनाडु की एमएमके को बेंगलुरु बैठक का न्योता भेजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और राज्य के गृह मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा, 17 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बैठक। बेंगलुरु बैठक से पहले कांग्रेस ने दिया आम आदमी पार्टी के साथ साथ देने का संकेत, पार्टी नेता जयराम रमेश का बयान, संघीय ढांचे पर केंद्र के हमले का विरोध करती रहेगी कांग्रेस। यूपी में सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज करेंगे ऐलान, एनडीए में शामिल होने की लग रही हैं अटकलें, गठबंधन में अपनी भूमिका और आगे की रणनीति पर लखनऊ में राजभर करेंगे खुलासा। तेलुगु फिल्म स्टार और आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के अध्यक्ष एनडीए की बैठक में होंगे शामिल, 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।